किमहांस फाउंडेशन के संस्थापक और केशवपुरम भाजपा पूर्वांचल मोर्चा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नृपेंद्र कुमार जी एवं वार्ड 14 धीरपुर मंडल के भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के सभी पदाधिकारी गण के कतिपय अथक धार्मिक उत्साह और श्रद्धा से आज शिवरात्रि पर्व पर वार्ड नंबर 14 स्थित सूरज नगर मंदिर में विशेष ध्यान हवन और रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पहुँचे वार्ड नंबर 16 आजादपुर की लोकप्रिय पार्षद सुमन शर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, केशवपुरम पूर्वांचल मोर्चा जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल राय, महामंत्री रोशन सिंह, अनुज सिंह, प्रचार प्रसार मंत्री पवन झा, आईटी सेल प्रमुख भैरव झा आदि पहुंचे। इस दौरान आए सभी अतिथियों को देवों के देव महादेव की असीम कृपा शक्ति वाला पूर्वांचली गमछा पहनाकर सम्मानित करते हुए डॉक्टर नृपेंद्र कुमार ने कहा कि हम सब मिलकर महादेव के बताए मार्ग पर चलकर मिशन 2024 को सफल बनाकर भारत को विश्व गुरु वाला भारत बनाना है। आओ हम सब मिलकर किमहांस फाउंडेशन से ज्यादा जुड़कर उस राष्ट्रभक्ति लक्ष्य को हासिल करें। सभी भक्तजनों को जो हमारे क्षेत्र में है, पूरे देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और महादेव अपनी कृपा सब पे बनाए रखे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जैसे वो संतुलन के भगवान है, जहाँ कुछ ऊंच नीच सबको बराबर करके एक गति और एक दिशा प्रदान करते हैं महादेव हमारे, वैसे ही सबकी जीवन में एक नई गति और एक नया दिशा मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। जैसे उन्होंने रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे किया है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, जो उनकी एक जन कल्याण योजना जो कि महान फाउंडेशन के द्वारा करते हैं, वो दिन दुना रात चौगुना ऐसे ही अपना पंख पसारे हुए पूरे दिल्ली में बढ़े, ऐसा मैं कामना करती हूँ। और नृपेंद्र जी के लिए और उनकी टीम के लिए ये दुआ करती हूँ कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और पूरे दिल्ली की स्वास्थ्य को और उनको सबको लाभ दिलाएं, ऐसी उनकी टीम और उनको सबको शुभकामनाएं। बाबा भोले ने आपको ऐसी शक्ति ऐसी ऊर्जा दी जी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आगे लोकसभा की चुनाव है, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, तो हमें अपने भाजपा को सशक्त करना है और मजबूती के साथ 2024 और 2025 लोकसभा और विधानसभा की तैयारी के लिए आगे बढ़ना है। मैं एक वार्ड की प्रतिनिधि हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने वार्ड और साथ ही साथ दो वार्ड जो अपने जुड़े हुए हैं अब पूरे आदर्श नगर विधानसभा के जन कल्याण के लिए, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा मौजूद हूँ, हमेशा सबके साथ हूँ और ऐसे ही कामना करती हूँ कि पूरे आदर्श नगर विधानसभा में हमारा भाजपा आगे बढ़े और इस बार विधानसभा के चुनाव में भाजपा को जीत दर्ज हो। पहले तो महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सनातन धर्म ऐसे ही बड़ा धर्म नहीं है, आज कम से कम 100 करोड़ श्रद्धालु, 100 करोड़ श्रद्धालु जो किसी धर्म में एक दिन इतनी बड़ी पूजा नहीं करते हैं, कम से कम 100 करोड़ श्रद्धालु आज बाबा को जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे। तो सोच सकते हो कि सनातन धर्म क्यों बड़ा धर्म और माना जाता है। मुस्कुराता चेहरा डॉक्टर साहब हमेशा जन लोककारी कार्यक्रम करते रहे, लोगों की मदद करते रहे और आज सनातन धर्म के जो बहुत बड़े भगवान भगवान शंकर जी की पूजा रखी, उन्होंने रुद्राभिषेक रखी है और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें, उनको तरक्की दें, जिससे वो हमेशा गरीबों की मदद करते रहें और आगे बढ़ें। महाशिवरात्रि मतलब शिव जी सभी देवताओं में सबसे उत्तम है और आज उनकी पूजा, जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने कहा कि 100 करोड़ देशवासी एक साथ अगर किसी भगवान की पूजा करते हैं, किसी ईश्वर की पूजा करते हैं, तो ये सनातन धर्म की जीत है। और मैं मानता हूँ कि ये हमारी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, जहाँ पर हम सब ने मिलकर के भगवान शिव की पूजा की। सभी श्रद्धालु बाबा से सिर्फ यही हम लोगों ने मांगा है कि पूरे देश के लोग, चाहे किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय के हों, सभी स्वस्थ रहें, सभी आगे बढ़ें और सभी को कल्याण करने का अवसर मिले। बस देखिए, आज महाशिवरात्रि का शुभ उपलक्ष्य है और इस शुभ उपलक्ष्य में हमारी किमहांस फाउंडेशन की टीम और धीरपुर मंडल भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और हमारे जिले की भी टीम थी, पूर्वांचल मोर्चा की भी टीम थी, मेन टीम के भी लोग सारे लोग थे। तो बाबा के आज दरबार में सभी लोगों ने हाजिरी लगाई और इस बात की प्रसन्नता है कि आज बहुत धूमधाम से रुद्राभिषेक करने का हमें मौका मिला और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि बाबा का हमें सेवा करने का आज अवसर मिला। बाबा की जब लगता है हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसका कार्य ही उसका धर्म है और उसका धर्म ही उसका कार्य है। यदि कार्य और धर्म में हम समन्वय नहीं रखेंगे तो हमें शक्ति नहीं मिल पाएगी, हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी, हमें बल नहीं मिलेगा, हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी।
तो इन सारी चीज़ों को साथ में रखने के लिए हमें जितना ईश्वर के करीब होना है उतना ही हमें कार्यक्षेत्र पर भी अव्वल उतरना है। जी।